जालौन के कोच कोतवाली पुलिस की कोई ना कोई करतूत लगातार सामने आ रही है। पहले कोच कोतवाली द्वारा पीड़ित के साथ गाली गलौज करना, फिर सिपाहियों द्वारा एक महिला के घर में घुसकर उसके साथ अभद्रता करना, और बुधवार को सुराही में तैनात एक दरोगा ने काशीराम कॉलोनी में रहने वाली महिलाओं के साथ गाली गलौज करते हुए अभद्रता की, जिसकी शिकायत करने दर्जनों महिलाएं एसडीएम कोच के पास पहुंची। टीवी 100 के लिए पंकज कुमार पटेल की रिपोर्ट। ये है कि रात ये जब ड्यूटी पे जाते हैं तो दारू पीता है। कहाँ पे जाता ड्यूटी? जो कॉलोनी काशीराम कॉलोनी। कहाँ की निवासी? हम कॉलोनी की निवासी। क्या मामला है? मामला ये है कि जो दारू पी के गश्त लगाने जाता है और कोई भी लेडीज द्वारा लेटी मिलती है तो कहता है कि क्यों तुम घर से आवारा है, बाहर क्यों लेटती है, अंदर लेटी है जाके। भाई ठीक है मान लो अंदर क्यों लेट है, जिसके पास पंखा नहीं है कुछ नहीं है तो वो कहाँ लेटेगी बच्चों को लेके। क्या नाम है दरोगा का? दरोगा का सेलन। कौन है ये? चौकी इंचार्ज है? हाँ चौकी इंचार्ज है। अंदर भी घुसते हैं? और अगर कोई भी महिलाएं ज्यादा बोलती है तो कहते हैं कि अंदर घुस के तुमको मारेंगे काटेंगे, ये कोई तरीका थोड़ी है। क्यों कहते हैं ये दारू पीता है? एक क्वार्टर की जगह वो चार क्वार्टर पीता, वो अच्छी खासी मैयत होता है, वो जो गलत है उसको पकड़ता नहीं है, वो जो सही है उसको पकड़ता है। मुझे अभी अभी पहली बार खबर मिली है, ये जिलाध्यक्ष MIA शकील अंसारी ने फ़ोन किया था कि कुछ महिलाएं वहां की आई हैं काशीराम कॉलोनी की, जो चौकी इंचार्ज सुरही चौकी के विरुद्ध कुछ आरोप लगा रही हैं शराब पी करके, और शाम को अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हैं, अभी पता लगा है। तो मैंने उनको आश्वस्त किया है कि मैं इस संबंध में कोतवाल साहब और CO साहब से बात करूँगा, अगर वो इसके दोषी हुए तो उनको कम से कम आचरण में सुधार लाने के लिए हिदायत दूंगा, और अग्रेतर कार्रवाई के लिए मैं CO को जरूर बताऊँगा, बात करूँगा आज ही।